समय हुआ करता था जब कुल्ती इंडस्ट्रियल जोन माना जाता था, इसको जर्मनी की रूर वैली से इसकी तुलना की जाती थी। वो सपने सब टूट गए, खत्म हो गए और आज मुझे बताया जा रहा है कारखाने छोड़िए, आपके पास पानी भी नहीं है। हमारे सामने चुनाव है और यहां कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट ममता जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ लड़ रही है। नरेंद्र मोदी जी देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अरुणाचल में उन्होंने हमारी सरकार को तोड़ा, पैसे देकर सरकार को गिराया, वही काम फिर उत्तराखंड में उन्होंने किया क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक नेता रहे और वो हो नरेंद्र मोदी। विचारधारा की बात करते हैं तो कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में एक विचारधारा हो, एक सोच हो, नागपुर की सोच पूरे देश के ऊपर डालना चाहते हैं और जहां भी कोई उनके खिलाफ खड़ा होता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में खड़ा हो, चाहे वो किसी प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हो, चाहे वो उनके खिलाफ ब्यूरोक्रेट बोल जाए, नरेंद्र मोदी जी उसको कुचलना चाहते हैं। देश में जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं बंगाल में वो ममता जी कर रही, वो भी चाहती है कि सिर्फ एक व्यक्ति का राज हो। मैं उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलता हूं पार्लियामेंट में और वो हमें कहते हैं कि तृणमूल में सिर्फ एक व्यक्ति का राज चलता है, हम जो सोचते हैं हम जो चाहते हैं उसकी कोई सुनवाई नहीं है और वही बात बीजेपी के एमपी कहते हैं। हमारी यह लड़ाई, हम चाहते हैं कि अगर बंगाल चले तो सबकी सुनवाई हो, सब लोगों को जगह मिले, एक व्यक्ति बंगाल को ना चलाए। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी और तृणमूल का कोलिशन था और अगर तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीती है तो उसमें बहुत बड़ा हाथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। हमने ममता जी की मदद की और उनको चुनाव जितवाया। हमने ममता जी को चुनाव नहीं जिताया था, हमने बंगाल की जनता को चुनाव जिताया था। चुनाव जीतने के बाद जो हमारे वायदे थे, जो कांग्रेस पार्टी ने और तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को किए, उन सब वायदों को ममता जी ने तोड़ना शुरू कर दिया। हमारा सबसे बड़ा वायदा भोजन के अधिकार का था। दिल्ली में हम योजना लाए थे कि गारंटी करके हम हर एक गरीब व्यक्ति को भोजन देंगे, हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम था, ममता जी उसको भूल गए। जहां भी उन्हें कांग्रेस पार्टी दिखाई दी, जहां भी हमने अपनी आवाज उठाई, ममता जी ने उस आवाज को कुचलने की कोशिश की। चुनाव से पहले जब निर्णय की बात उठी थी, मैंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछा था कि आप लोग क्या चाहते हो, आप लोग किस प्रकार से चुनाव लड़ना चाहते हो, और हमारे सब कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट फ्रंट मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम ममता जी को हराएंगे क्योंकि ममता जी ने जो वायदे किए हैं वो उन्होंने पूरे नहीं किए।
अब देखिए, मैं भी आया, कलकत्ता से आया, कलकत्ता में पुल गिरा, लोग मरे, और ममता जी ने कहा कि ये राजनीतिक मामला नहीं है। उन्होंने कहा इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, और सही बात है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर वो जो पुल है वो एक निशान है, एक सिंबल है। ममता जी को लोगों ने सत्ता इसलिए दी कि वो कुछ काम करके दिखाएं। उस पुल में 5 साल से कुछ काम नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं पड़ा रहा। काम कौन कर रहा है? उनके पार्टी के लोग कर रहे हैं। पुल में पुल गिरता है, लोग मरते हैं, नुकसान किसको होता है? नुकसान टीएमसी के लोगों को नहीं हुआ, नुकसान उन लोगों को हुआ जिनसे मैं अस्पताल में जाके मिला। यहां भी वही हाल है। यहां पे मनमोहन सिंह जी ने पानी के लिए पैसा भेजा, 140 करोड़ रुपए भेजे थे, अब तो यहां देगा। जैसे जैसे वो 5 साल के लिए पुल वहां पड़ा रहा, जैसे ही यहां पे पानी का कोई निर्णय नहीं हुआ, जो मनमोहन सिंह जी ने पैसा भेजा वो वापस चला गया, और आपके लोग यहां देखते रह गए, और जो आपकी समस्या थी, आपकी जो मुश्किल थी, वो आज तक वहीं के वहीं पड़ी हुई है। ऐसी सरकार हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बंगाल में बंगाल की जनता का राज हो, बंगाल में लोगों को लगे कि हमारी सरकार है, गरीब लोगों की सरकार है, कमजोर लोगों की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड की सरकार को हटाया, उन्होंने कारण क्या दिया? उन्होंने कारण दिया कि यहां पे स्टिंग हुआ है, भ्रष्टाचार की बात उन्होंने कही। यहां पे जब तृणमूल कांग्रेस के 10 नेता पैसा लेते हुए पकड़े जाते हैं, तो इसके बारे में नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं कहते। जब यहां खुला भ्रष्टाचार हो रहा है, ममता जी शारदा पे क्या कहती है? हमने जब सरकार बनाई थी ममता जी की, तो उसमें हमने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ तृणमूल और कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। शारदा स्कैम आया, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा स्कैम है, और ममता जी ने एक शब्द नहीं बोला इसके बारे में। तो भ्रष्टाचार नहीं चाहते हम बंगाल में, एक व्यक्ति का राज नहीं चाहते हम बंगाल में, और इसीलिए हम एक साथ सीपीएम और कांग्रेस पार्टी ममता जी के खिलाफ, तृणमूल के खिलाफ लड़ रहे हैं। और देखिए देखिए, कहा जाता है, प्रेस के लोग कह रहे हैं, पहले कह रहे थे, सुनो, पहले यहां कह रहे थे तृणमूल कांग्रेस जीतेगी, वॉक ओवर होगा, मगर जब से कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट जुड़े हैं, मिले हैं, सब पूरे बंगाल, सबसे पूरे बंगाल को पता लग गया है कि यहां पे अब ममता जी की सरकार नहीं आने वाली है, यहां पे कांग्रेस पार्टी की और लेफ्ट फ्रंट की सरकार आने वाली है। मोदी जी ने वायदा किया था हिंदुस्तान में कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा,
लोकसभा के चुनाव में बहुत सारे वायदे किए थे, आपको याद होगा, काले धन को वापस लाऊंगा, हर गरीब व्यक्ति को 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। महंगाई बहुत हो गई है, दाम बहुत बढ़ गए हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो महंगाई कम होगी। 70 रुपए की दाल हुआ करती थी, आज 200 रुपए की दाल हो गई है। या कोई एक व्यक्ति है जिसके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए मिले हो तो हाथ उठा के दिखा दो मुझे, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। उल्टा काले धन की बात की, कुछ ही दिनों पहले मैं पार्लियामेंट में बैठा था, अरुण जेटली जी योजना लाते हैं फेयर एंड लवली स्कीम, कहते हैं कि भैया देखो हिंदुस्तान के सब चोरों से, आतंकवादियों से, ड्रग एडिक्ट से, कहते हैं कि देखो अगर तुम्हारे पास काला धन है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार आपको मदद करना चाहती है, आप अपना काला धन लाइए, अरुण जेटली जी को दीजिए और सरकार आपको आपसे थोड़ा सा टैक्स लेगी और आपके काले धन को सफेद कर देगी। माल्या जी भाग जाते हैं, भागने से पहले अरुण जेटली जी से पार्लियामेंट में मिलते हैं। ललित मोदी चला जाता है, बाहर बैठा है, नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं कहते। दूसरी तरफ ममता जी कहती है मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, शारदा स्कैम होता है, उनके पार्टी के लोग सीधा पैसा लेते हैं, सिंह सामने पैसा ले रहे हैं, ममता जी शांत। फिर कहती है मैंने लाखों युवाओं को रोजगार दिया, 10 लाख युवाओं को मैंने रोजगार दिया। अभी आप बताओ मुझे, ये इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, यहां पे किसी को ममता जी ने रोजगार दिया? एक व्यक्ति है यहां पे जिसको रोजगार मिला? एक नहीं। तो जब हमारी सरकार आएगी, बंगाल में हमारी सरकार आएगी, सबसे पहला काम हमारा बंगाल के युवाओं को रोजगार देने का होगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो, बंगाल के युवाओं को यहां बंगाल में रोजगार मिले और बाकी प्रदेशों में उनको भटकने की कोई जरूरत ना हो। गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को हम पूरी मदद करेंगे। और जिस प्रकार से हमने यूपीए में प्रोग्राम शुरू किए थे, उसी प्रकार से हम यहां बंगाल में गरीबों की मदद करने के लिए प्रोग्राम चालू करेंगे। हम किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलाएंगे, हम आप सबकी सरकार चलाएंगे, बंगाल की आम गरीब लोगों की सरकार चलाएंगे, आदिवासियों की, दलितों की, कमजोर लोगों की, महिलाओं की, और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सबसे सख्त कार्रवाई करें। हमारे साथ लेफ्ट फ्रंट के लोग हैं और मैं उनको भी कहना चाहता हूं, जब सरकार बनेगी तो जनता की सरकार बननी चाहिए, रोजगार पे पूरा फोकस होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे पूरा फोकस होना चाहिए, और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो, आप हमारे लिए लड़ते हो, और आपको यहां मारा जाता है, दबाया जाता है। इसीलिए जब चुनाव का सवाल उठा था, मैंने अब हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं से नहीं पूछा, मैंने अपने कार्यकर्ताओं से पूछा, आप मुझे बताओ आपको क्या चाहिए, और जो आपने मुझे कहा वो मैंने आपको करके दिखाया है। अब आप जाइए,
लेफ्ट फ्रंट के वर्कर के साथ जाइए, मिलकर जाइए, हाथ पकड़ के जाइए और ममता जी को, तृणमूल कांग्रेस को यहां पे हराइए और कोलिशन की सरकार आप बंगाल में डालिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का धन्यवाद, लेफ्ट फ्रंट के नेताओं का, लेफ्ट फ्रंट के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।